राधे राधे दोस्तों, आपका हमारे चैनल मनु के कान्हा जी में स्वागत है। और आप सभी लोग कैसे हैं? राधे और कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए हमारे कान्हा जी का होम टूर। तो देखिए, वैसे तो पूरा घर कान्हा जी का ही है जिसमें हम कान्हा जी की सेवा करते हैं। तो आज हम हमारे घर में कान्हा जी के लिए एक सुंदर सी होम टूर की झांकी हमने बनाई है, तो वो हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम हमारे कान्हा जी के दर्शन कर लेते हैं। तो आज हमारे कान्हा जी ने बहुत ही सुंदर सी आज पिंक कलर की ड्रेस पहनी है और बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार धराया है आज इन्होंने। और आज आप हमारे कान्हा जी का होम टूर देखिए और बताइए कि आप सबको कैसा लगा। तो सबसे पहले हमने कान्हा जी की पूजा और सेवा सब करके उन्हें भोग प्रसाद लगा दिया है। तो चलिए देखते हैं हमारे कान्हा जी का घर। तो सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं हमारे कान्हा जी के मेन एंट्रेंस पे। तो ये है हमारे कान्हा जी का मेन डोर, जहाँ पे हमारे कान्हा जी की बहुत ही सुंदर सी चमचमाती सिल्वर की उनकी बुलेट खड़ी हुई है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है, जिससे हमारे कान्हा जी अपनी सवारी करते हैं, जो हमारे घर पे इसी पे बैठ के आते हैं और उन्हें कहीं शॉपिंग पे जाना होता है तो इसी चमचमाती बुलेट में वो जाते हैं। तो अब उसके बाद में है हमारे कान्हा जी का डाइनिंग रूम, जहाँ पे हमारे कान्हा जी बैठ के भोजन करते हैं। वैसे तो कान्हा जी एक ही है, बट कान्हा जी के बहुत सारे सखा और सखी हैं, जैसे तोता है, मोर है, उन सभी के साथ कान्हा जी बैठ के भोजन का एंजॉय करेंगे। देखिए कितनी सुंदर सी ये डाइनिंग टेबल है और बहुत ही सुंदर से डिटेलिंग से बनाई गई है। ये भी सिल्वर की है, तो देखिए कितनी सुंदर सी कारीगरी इस पे की गई है। बिल्कुल फाइन तरह से ये बनाई गई है, घड़ी गई है कारीगर के द्वारा। और अब हम चलते हैं कान्हा जी के शयन कक्ष में, बेडरूम में। तो सबसे पहले हमने एक तुलसी माता जी रखी है, जो जिससे कि हमारे कान्हा जी के पास ही रहे तुलसी जी। और ये है हमारे कान्हा जी का बहुत ही सुंदर प्यारा सा बेड, जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से बना हुआ है। और हमने पास में ही रखी है कान्हा जी के लिए उनकी चरण पादुकाएं। और आप बेड देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से, इसमें पिलो भी है, ये बिल्कुल पिलो अटैच है इसके साथ। और चरण पादुकाएं पहले की हैं तो उनका रंग थोड़ा ऐसे हो गया है, बाकी सारा सामान एकदम न्यू है। आपको पता ही है थोड़ा सा चांदी का सामान थोड़ा सा काला पड़ जाता है, जिसको अच्छे से देख रेख की ज़रूरत होती है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर बेड है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि कान्हा जी अभी विराजमान होंगे और इन्हें इस पे अच्छे से नींद आ जाएगी। बहुत ही सुंदर सा है ये। और अब इसके बाद ये है हमारे कान्हा जी की ड्रेसिंग टेबल, जो कि बहुत ही सुंदर है और इस पे शीशा भी लगा हुआ है। इस पे हम थोड़ा बहुत सामान सजा देंगे कान्हा जी का। और इसका ड्रॉअर है जो कि खुलता भी है, ये देखिए। तो इसमें हम कान्हा जी का सामान भी रख सकते हैं, है ना, बिल्कुल रियल ड्रेसिंग टेबल कान्हा जी की। और ये है उनकी चेयर, जिस पे बैठ के कान्हा जी तैयार हों। और ये है हमारे कान्हा जी का ड्रेसिंग रूम। और उसके बाद में है कान्हा जी का ड्राइंग रूम, जहाँ पे हमारे कान्हा जी के बहुत ही सुंदर से थ्री सीटर सोफ़ा हैं और एक सुंदर सी प्यारी सी सेंटर टेबल भी है, जिस पे हमारे कान्हा जी बैठेंगे और इंजॉय करेंगे अपने सखाओं के साथ में। और देखिए कितना सुंदर बिल्कुल बनाया हुआ है, बिल्कुल एकदम अच्छे से तैयार किया गया है इसे। और हमने रेड रंग का कारपेट बिछाया है। और देखिए मैं पीछे से भी दिखाती हूँ, बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से बनाई हुई ये कुर्सियाँ हैं, चेयर हैं। तो ये था हमारे कान्हा जी का होम टूर, जहाँ पे उनका डाइनिंग रूम, ड्रेसिंग रूम, बेडरूम और बैठक या ड्राइंग रूम था। तो अब मैं आपको एक पूरा ओवर
पूरा अच्छे से दिखा देती हूँ कि क्या क्या है। ये सारा सामान बहुत ही छोटा छोटा सा है, लेकिन बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत है। हमारे कान्हा जी की यही इच्छा थी, तो उनके लिए हमने प्योर सिल्वर का अच्छे से सारी सुंदर सी एक हवेली बनाई है। ये सारा सामान छोटा है, लेकिन बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छा लगा हमारे कान्हा जी को। तो आप सभी लोग भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।